उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। बीते कई दिनों से यहां उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। दिवंगत जीना सल्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। ये भी दुखद संयोग है कि कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। सल्ट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से लोग हैरान हैं कि आखिर कैसे एक युवा की अचानक इस तरह से मृत्यु हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक संदेश देते हुए कहा है कि राज्य ने एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता खो दिया है। हाल ही में उनकी पत्नी के निधन पर मुख्यमंत्री उनके आवास भी गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी गणना हमेशा सक्रिय रहने वाले विधायकों में थी। वो वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने गहरा शोक व्यक्त किया है। भगत ने कहा है कि जीना हमारे युवा, ऊर्जावान और योग्य कार्यकर्ता और विधायक थे और हमेशा संगठन और जनहित में सक्रिय थे। वो एक शालीन व्यक्ति थे और हर वर्ग में लोकप्रिय थे। उनके निधन से पार्टी और समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। आपको बता दें कि साल 2006 में जीना कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष रहे। 2007 में पहली बार भिकियासैंण सीट से विधानसभा पहुंचे। 2012 के चुनाव में दूसरी बार सल्ट विधानसभा से जीते, जबकि 2017 में वो तीसरी बार सल्ट विधानसभा में चुनाव जीत कर आए। सुरेंद्र सिंह जीना महज 50 साल की उम्र में कोविड संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। जब से खबर उत्तराखंड के सियासी नेताओं के बीच पहुंची है, तभी से उत्तराखंड के सल्ट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के प्रति लोगों की संवेदनाएं और संदेश सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में भी दिवंगत विधायक की आत्म शांति के लिए शोक सभा रखी गई। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक रहे दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी को लगभग 20 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। सुरेंद्र सिंह जीना का जाना सभी को स्तब्ध कर गया है, क्योंकि वो हमेशा लोगों की बात कहते थे, लोगों के साथ रहते थे। जय भारत टीवी इस युवा एवं ऊर्जावान विधायक की असमय मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।